कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप की वारदात से पूरे देश में आक्रोश है और खास करके डॉक्टर्स में इस बात को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं डॉक्टर्स ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सभी ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया अनिश्चितकालीन समय के लिए अब ये हड़ताल कब खत्म होगी और डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग सबसे प्रमुख इनकी मांग है और इस मांग को लेकर कब तक विचार विमर्श किया जाएगा ये सवाल तो है ही लेकिन एक और सवाल अहम वो ये कि डॉक्टर के साथ हुई रेप की वारदात के बाद कोलकाता में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो समर्थन में हो रहे हैं या किसी साजिश के तहत दरअसल साजिश का सवाल इसलिए क्योंकि जिस अस्पताल में उस महिला के साथ रेप की वारदात को जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया उसके बाद परत दर परत हर स्तर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी देखने को मिली है गड़बड़ी नंबर वन सबसे पहला जो जघन्य अपराध उसके साथ हुआ वो तो अस्पताल में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था और इस तरह के अगर अस्पतालों में कांड होंगे तो फिर और मरीज इलाज के लिए कहाँ जाएंगे दूसरा जिस अस्पताल में जिस मेडिकल कॉलेज में इस रेप की वारदात को अंजाम दिया गया उसका प्रिंसिपल संदीप घोष तत्काल दूसरे कॉलेज ट्रांसफर कर दिया जाता है उसकी हालांकि वो तो कोर्ट ने दखल की कोर्ट के सख्त सख्त टिप्पणी दिए जाने के बाद जाकर उसे लंबी छुट्टी पर भेजा गया और गड़बड़ी नंबर तीन वो ये कि अस्पताल में जब जांच पड़ताल शुरू हुई फॉरेंसिक की टीम सीबीआई के साथ जब वहाँ पहुँची तो जिस जगह रेप की वारदात को अंजाम दिया गया उसके आसपास की कुछ जगहों की दीवारों को तोड़ दिया गया था कुछ जगह सामान से इधर से उधर शिफ्ट किए जाने की बात सामने आई थी और अभी हाल ही में बीते कुछ घंटों में जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे थे डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग कर रहे थे उस दौरान एक डेढ़ घंटे तक तो प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चला फिर अचानक तीस चालीस लोग जा जाने कहाँ से आए और आकर के अस्पताल में घुस उन्होंने इतनी बुरी तरह से तोड़फोड़ की मानो वो कुछ नष्ट करने के लिए आए थे कुछ नेस्तो नाबूद करने के लिए आए थे या सबूत मिटाने के लिए आए थे बार बार यही सवाल उठ रहा है और सवाल इसलिए भी उठना लाजमी हो जाता है प्रदर्शनकारी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं तीस से चालीस लोग घुसकर हॉस्पिटल के अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं चुन चुनकर जगहों को डिस्ट्रॉय किया गया सीसीटीवी कैमरास को तोड़ा गया दावा यहां तक किया जा रहा है कि कुछ डीवीआर को भी उपद्रवी अपने साथ लेकर ये उपद्रवी हैं या कोई साजिश करता या जो इसके पीछे है उसके ये प्यादे थे ये मोहरे की तरह किसी ने चाल चली और बेटी के साथ जो जगन वारदात हुई उस वारदात के साक्ष्य सामने ना आ जाए असली चेहरा सामने ना आ जाए कहीं इसे रोकने की कोशिश तो नहीं संजय राय क्या सिर्फ एक मोहरा है जिसे फंसाया गया हालांकि वो भी इस पूरे मामले में मुख्य अपराधियों में शामिल है लेकिन बाकी अपराधी कहाँ हैं चूंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं अभी उस बारे में कहना जरा मुश्किल है क्योंकि बहुत पुख्ता तौर पर उसके दावे नहीं किए जा रहे और इस संवेदनशील खबर पर न्यूज एटीन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई असंवेदनशीलता हो किसी भी तरह की अराजकता फैले इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक सी अब तीन सप्ताह बाद जो सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है उसमें जो साक्ष्य उसमें जो तथ्य सामने आएंगे वो मीडिया के सामने आएंगे उसके बारे में हम तब बात करेंगे लेकिन जो दावे किए जा रहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें अपराधी एक से ज्यादा हैं उन अपराधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है राज्य सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया अब तक जिससे ये कहा जा सके कि इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पूरी गंभीरता बरत रही है कहीं उपद्रवी अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ कर दे रहे हैं तो कहीं प्रिंसिपल को रातों रात ट्रांसफर कर दिया जा रहा है दूसरी जगह उसको ज्वाइन करवा दिया गया जिस मेडिकल कॉलेज में या जिस जगह पर महिला के साथ दुराचार हो अगर उस संस्थान का उस संस्था का मुखिया नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ना दे दे उस पूरे मामले की एफ दर्ज न करा दे उस पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास शिकायत लेकर ना पहुँचे और आरोपियों के पकड़ने के लिए उन्हें अस्पताल प्रबंधन के बारे में बातचीत ना करे तो शक तो उठेगा ही सवाल तो उठेंगे लेकिन इन सब के बीच अब खबर यह है कि तीन हफ्ते बाद हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उस रिपोर्ट में क्या कुछ तथ्य रहेंगे ये भी एक देखने का विषय है लेकिन जो साजिश है इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है अब उस सच्चाई की तलाश में सी की टीम लगातार छानबीन कर रही है लेकिन क्या राज्य सरकार की तरफ से इस पर कुछ प्रोएक्टिव तरीके से काम नहीं होना चाहिए क्या ममता बनर्जी को इस बारे में खुलकर नहीं बोलना चाहिए और आरोपियों को आखिर कौन बचा रहा है जो बार बार आरोप लग रहे हैं प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की तरफ से हर खासो आम और कई राजनीतिक दलों का भी इस बारे में सवाल है कि क्या कोई आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है ये कोई एक साजिश है दरअसल जिस तरह से संदीप घोष से लेकर संजय राय उसके बाद प्रदर्शनकारियों का अस्पताल में घुसकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना तोड़फोड़ करना इस सवाल को उठा रहा है उसी तरह से एक सवाल और ये भी उठ रहा है कि बेटियां आखिर कब तक सुरक्षित होंगी न्यूज एटीन की टीम मौके पर पहुंची वहां लोगों से बातचीत की केस आप लोग देखिए ये है अरुणा अरुणा शानबाग का के केस एक ब्रूटल रेप केस था उसी अस्पताल में ये उनकी रिकॉर्ड रह चुकी है ये क्रिमिनल आ, मतलब ये सारी चीजें करने में वो कॉलेज मतलब माहिर रह चुका है बातचीत में कुछ बातें सामने आई हैं जो ट्रेनी डॉक्टर्स वहां पर काम कर रही हैं बकौल उनके जो उन्होंने दावा किया कि इस मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी डॉक्टर्स के साथ महिला डॉक्टर्स के साथ दरिंदगी हुई है कुछ बातों को दबा दिया गया कुछ बातें बाहर नहीं आ पाईं और कुछ ने लाजवश डरवश बातों को बाहर आने नहीं दिया इस बारे में शिकायत नहीं की लेकिन इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा वहशीपन हुआ कुछ ऐसा हुआ कि जिसे दबाया या छिपाया न जा सका और बात खुलकर सामने आ गई आरोप बेहद गंभीर हैं आर मेडिकल कॉलेज पर कि यहाँ पर बच्चियों के साथ शोषण होता है बच्चियों को मोलस्ट किया जाता है जूनियर और ट्रेनी डॉक्टर्स को लंबे लंबे समय तक ड्यूटी पर लगा कर रखा जाता है और उनके कंफर्ट का भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है ठीक है कंफर्ट हो न हो काम में संघर्ष चलता रहता है ये सब आप एक बार को सहन कर सकते हैं लेकिन अस्मिता के साथ खिलवाड़ जान पर हमला सीधा प्राणघातक हमले क्या ये बर्दाश्त के काबिल बातें हैं इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम रहेगा लेकिन इन सभी सवालों के बीच एक बार फिर से ये सवाल कि बेटियाँ बहनें हमारे घर की महिलाएं अगर काम करने घर से बाहर निकले और वो भी इस हालात में तो क्या उस घर का मुखिया क्या उस घर के परिवार के सदस्य चैन से सो पाएंगे क्या उन्हें हर वक्त अपने बच्चों की चिंता नहीं लगी रहेगी और बच्चों की चिंता करने की जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो सत्ता में बैठे हैं जो प्रशासन में हैं जिनके हाथ में समाज को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है लेकिन ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है क्योंकि अगर आप और हम सावधान नहीं होंगे सतर्क नहीं रहेंगे कुछ बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो निश्चित रूप से ये किसी के साथ भी हो सकता है ऐसे हैवानों को पहचानना होगा और उन्हें उनके अनजाम तक पहुंचाना होगा वो भी जल्द से जल्द ट्रायल के नाम पर सुनवाई के नाम पर ऐसे मामलों को कितना समय तक लटकाया जाना उचित है इस बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दे।